अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि रमज़ान में उम्रा करने वाले के लिए अब तवक्कलना ऐप से भी कर सकते हैं। जल्द ही जल्द ये फीचर तवक्कलना ऐप में आ जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं है। लेकिन बता दिया गया है कि ये तवक्कलना ऐप में बहुत जल्द आ रही है, तब्दीली हो इसकी तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं, आने वाले दिनों में आ जाएंगी। तो हम पूरी तफसील से आपको ये खबर पढ़ के सुनाता हूँ। जिन्होंने कोरोना वैक्सीन ले लिया है और रमज़ान के दौरान केवल एक बार उम्रा करने की अनुमति होगी, उनको एक बार दिया जाएगा उम्रा करने के लिए। तो हम पूरा हिंदी में है, ये पढ़ के हम सुनाते हैं। रमज़ान में उम्रा परमिट को इतमरना ऐप से नहीं बल्कि तवक्कलना से जारी किया जाएगा। सबक वेबसाइट के अनुसार हज के उप मंत्री और उमरा डॉक्टर अब्दुल फताह मुसाद ने कहा है कि रमज़ान के दौरान उमरा परमिट के लिए तवक्कलना ऐप विकसित किया जा रहा है, यानी उसमें काम चल रहा है, तो बहुत जल्द हो जाएगा उसमें। फिर उन्होंने कहा है कि रमज़ान के दौरान उमरा परमिट के लिए उपयोग करने के लिए जल्द ही तवक्कलना का नया उसमें फीचर उपलब्ध होगा। जो लोग कोरोना वैक्सीन प्राप्त करते हैं उन्हें केवल रमज़ान के दौरान एक बार उम्रा करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रमज़ान महीने में हालांकि ये दुआ करने के लिए कई बार हरम में जा सकते हैं और कई दिनों में एक बार तवक्कलना ऐप के माध्यम से। उन्होंने कहा है कि तवक्कलना में साप्ताहिक उम्रा परमिट जारी करने के अलावा दैनिक आधार पर परमिट भी जारी किए जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 65 वर्ष से अधिक के लोग जिन्होंने टीका लगाया गया है वो भी उम्रा परमिट प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। यानी रमज़ान के दौरान सभी उम्रा जायरीन को की बेहतर सेवा के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी और मक्का मुकर्रमा में स्वच्छता प्रक्रिया को दोगुना किया जाएगा। तो ये थी, एक खबर थी कि बहुत तवक्कलना ऐप में सब आ जाएगा, उस पर काम चल रहा है। तो ये खबर थी जो आप लोगों को मैं साझा कर दिया हूँ।